ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଡଙ୍ଗା। ଡଙ୍ଗାରୁ ମିଳିଲା AK-47 ରାଇଫଲ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲାର ବଢ଼ିଲା ଆଶଙ୍କା। महाराष्ट्र रायगढ़ जिले में थिबा हरिहरेश्वर उपकूल समुद्र में एक संदेहजनक डंगा देखा मिली। डंगार AK-47 राइफल एवं किसी कार्ट्रिज थिबा देखा जाई। एभली संदेहजनक अवस्था डंगारु एभली अस्त्रशस्त्र मिलवा पर समग्र रायगढ़ जिले में सतर्क सूचना जारी करा जाई। तबे डंगाटी ऑस्ट्रेलिया रो जने नाविकंकर होइतिबा जणा पड़ी। यूरोप जीवा समय रे इंजन खराब होवारु समुद्र रे अटकी रही बोट। साधारण भाव अंचल पाकिस्तान डंगा मिली थाए। तेरे वर्तमान सुधा स्पष्ट होना यह पाकिस्तानी डंगा ना अन्य किछि। पुलिस समेत अन्य जांच एजेंसी घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ कर। एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी, उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। तबे आतंकवादी माने समुद्र भीतर दे राज्य को प्रवेश करिवार संभावना सब बेले थाए। या पूर्वरु November 26, 2008 रे मुंबई रे आतंकवादी आक्रमण होइतिला। सेतबेले लश्कर रो 11 जन आतंकवादी समुद्र दे पाकिस्तान रु भारत आसीथिले। समुद्र कूल रे डंगा छाड़ीबा परे आतंकवादी माने विभिन्न स्थान रे गुली चलाइबा आरंभ करथिले। आतंकवादी माने 2 होटल डाक्तरखाना एवं रेल स्टेशन को टार्गेट करथिले। एई आक्रमण रे 160 जणंकर मृत्यु होइतिला। एबे एते वर्ष परे पुणी थरे समुद्र कूलरु एभली मारणास्त्र जबत हेबारु अलर्ट होइछि पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।